सो आई एम गेसिंग भारत की पूरी जनता ने एक मूवी तो जरूर देखी होगी जो है थ्री इडियट्स। और थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जो अपने इनोवेशन के नाम पर जाना जाता था, जिसका नाम था रैंचो रणछोड़दास छांछड़ उर्फ फुनसुक वांगड़ू। तो ये जो कैरेक्टर था इसका असली में नाम है सोनम वांगचुक, और यही सोनम वांगचुक की जो स्टोरी है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सोनम वांगचुक का आपने नाम रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, और न्यूज़ में क्यों सुना है, क्या उनके डिमांड्स हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना जिनके साथ भी तुम ये न्यूज़ शेयर करना चाहते हो, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, स्क्रिप्टिंग लगती है, वीडियो रिकॉर्डिंग लगती है, एडिटिंग लगती है, तो उस सब के लिए मैं टाइम देता हूँ, आप लोगों के लिए टाइम देता हूँ। एंड इफ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं आगे। तो इस वीडियो को चार पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, सोनम वांगचुक कौन है? दूसरा, सोनम वांगचुक स्ट्राइक पे क्यों है? तीसरा, लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है? एंड चौथा, कॉन्क्लूजन, जिस जो हर वीडियो में मैंडेटरी होता है, तो उसमें मैं कुछ भी पूछता हूँ। नाउ, हु इज सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक इज एन इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने यूनिक और नए नए इन्वेंशन, अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इन 2021 सोनम वांगचुक ने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनाए थे, जो कि उन्हें लद्दाख के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी प्रोटेक्ट कर सके। एंड इसके साथ सोनम वांगचुक ने लद्दाख में काफ़ी सारे कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिज़ाइन किया है। एंड आइस स्तूपा का कंसेप्ट भी सोनम वांगचुक ही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट भी लाए थे। तो इतने सारे इनोवेशन, इतने सारे यूनिक अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। इनको अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स के साथ भी सम्मानित किया गया है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सोनम वांगचुक 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे क्यों है? द मेन रीजन इज कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो गवर्नमेंट सुन नहीं रही। ऐसे ही सडनली नहीं, 10% जनता लद्दाख की उतर आएगी सड़कों पे हंगर स्ट्राइक करने के लिए उनके साथ। बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद, डिमांड करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना आने पर लद्दाख आज कुछ ऐसा दिख रहा है। इन 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी अनाउंस किया गया था, जब बीजेपी के मोमेंटो में उन्होंने फर्स्ट थ्री पॉइंट्स में कुछ चीज़ें प्रॉमिस की थी लद्दाख को, लेकिन वो आज तक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी है। एंड ये स्ट्राइक भी इसलिए हो रही है ताकि गवर्नमेंट वो डिमांड्स वापस से देखे, वापस से इनकी डिमांड सुने एंड उन डिमांड्स को पूरा किया जाए। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख? सबसे पहली डिमांड है लद्दाख को अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख के तरफ से 2 MPs दिए जाएं। करंटली लद्दाख के तरफ से बस 1 MP है लोकसभा में, राज्यसभा में वो नंबर 0 है। फोर्थ डिमांड है, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सिक्योर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये जितनी भी डिमांड्स हैं, चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझा जाए। तो सबसे पहला है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। अब ये 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जहाँ पे ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बेसिकली बोलता है कि आदिवासी अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं, जो कि इलेक्टिव बॉडीज हैं जिनको राइट मिलता है ट्राइबल एरियाज पे एडमिनिस्ट्रेशन का। लोकल लेवल पर ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, अपनी लैंड को लेकर, अपने फॉरेस्ट को लेकर, अपने कस्टम्स को लेकर, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर अपने ही एक कुछ लॉज बना सकें, एंड बाहर से किसी के पास कोई पावर नहीं होगी उनके जमीन एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने। आज ये 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, और इसी में लद्दाख चाहता है जुड़ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लद्दाख में तो फॉरेस्ट वगैरह इतने ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर लद्दाख को यहाँ पे कैसे ऐड किया जा सकता है? वेल, लद्दाख में फॉरेस्ट इतने नहीं है, बट वहाँ की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि सोनम वांगचुक ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि अगर लद्दाख के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया तो वहाँ काफ़ी डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, वहाँ फ्लड्स आ सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। सेकेंड रीजन, लद्दाख की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, 6th शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक राइट देगा।
इन 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट हुआ करती थी तब लद्दाख के पास अपने 4 MLAs हुआ करते थे एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 0 है। यही रीजन है सारे डिमांड्स की कि हमें 6th स्केड्यूल में इंक्लूड करो जिससे हम अपने ADCs एंड ARCs बना सकें एंड अपने खुद के रूल्स बना सकें, अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकें। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिमांड्स ऑफ पीपल ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। ये जो भी डिमांड्स आज लद्दाख कर रहा है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इन डिमांड्स को सबसे ऊपर डाला था। बीजेपी ने लिखा था कि वो लद्दाख को 6th स्केड्यूल में डालेंगे एंड उन्हीं चीज़ों की बात, उन्हीं डिमांड्स की बात आज सोनम वांगचुक मीडिया में खुलकर आकर कर रहे हैं। सितंबर 2020 में पहली बार लद्दाख के लोग मास प्रोटेस्ट पर उतर रहे थे, रोड्स पर उतर रहे थे अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के। एंड उसी टाइम ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन होने वाली थी लद्दाख में, जिसके रिगार्डिंग अमित शाह ने ये कहा था कि इलेक्शन खत्म होने के 15 दिन बाद वो लद्दाख की सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आज लोगों में इतना गुस्सा है एंड लोग अपनी मतलब स्ट्राइक पे होता है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन में बेसिकली मेरे रॉ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू लद्दाख यार सबसे पहली चीज़ टूरिस्ट प्लेस है, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म होता है इंडिया में लद्दाख से, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लद्दाख सुंदर इतना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मी अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बोली है, सब बोला है, ये सारी डिमांड्स करी, अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट डाला है कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाएगा और तब भी इतना डिले हो रहा है, तब भी ये सारी चीज़ें, ये डिमांड्स पूरी नहीं करी जा रही है, तो आई थिंक सोनम वांगचुक इज एट द राइट प्लेस। एंड जब इतनी फेमस पर्सनैलिटी को हंगर स्ट्राइक पर उतरना पड़ रहा है, दैट मीन्स मामला सीरियस है। बट अगर मामला सीरियस है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है, दैट्स द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो गवर्नमेंट ही दे पाएगी और आई होप जल्दी दे दे एंड जल्दी ये सब खत्म हो, डिमांड पूरी हो जाए लद्दाख की एंड सब ऐसे ही चलता रहे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।